नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया लाइव। लखीमपुर खीरी से अश्विनी सिंह राजपूत की रिपोर्ट। विकासखंड मोहम्मदी में ब्लॉक प्रमुख पद के नामांकन में बागी हुए प्रत्याशी महेंद्र कुमार वाजपेयी ने भारी लाव लक्षर के साथ अपना नामांकन दाखिल किया। वही भाजपा से अधिकृत प्रत्याशी आशीष रस्तोगी ने अपना नामांकन दाखिल किया। दोनों ही दावेदार दल बल के साथ अपने जीतने का दावा कर रहे हैं। इस ब्लॉक प्रमुख के महासंग्राम चुनाव पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट यूथ इंडिया लाइव के साथ। हमें परेशानी कुछ नहीं हुई, हमारे साथ जनमानस अपार जनसमूह था, उसने कहा भैया पर्चा दाखिल करिए, इसलिए हम पर्चा दाखिल कर रहे और सब बीडीसी जितने मेंबर क्षेत्र पंचायत के हैं उनका कहना है आप चुनाव लड़िए हम आपको वोट देंगे, इसी उम्मीद पर हम पर्चा दाखिल किए। भाजपा की टिकट की तलाश में तो नहीं मिला, तो आपने निर्दलीय तरीके से? हमने तो भाजपा के ही अभी तक थे, हम तो अपने को भाजपा ही समझते, हम अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं, इसमें कोई सिंबल या कोई टिकट का मतलब हमारी नज़र में कोई पर्चा पेपर तो दाखिल नहीं होते, हम तो भाजपा ही है, बाकी हमको लोग जो भी समझे। भाजपा से टिकट मिला है आपको? नहीं, टिकट हमको भाजपा से नहीं मिला, टिकट दूसरे को मिला, लेकिन हम दाखिल कर रहे हैं अपना पर्चा, अभी तक हम भाजपा में ही थे। तो ऐसा क्या कारण हुआ जो आपको भाजपा पार्टी टिकट नहीं दे रही? अबे भाजपा के उच्च पदाधिकारी जान सकते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमसे उच्च नेताओं ने ही कहा था भैया हमारी पार्टी में शामिल होकर हमारी पार्टी से चुनाव लड़िए, उसी उम्मीद पर हमने चुनाव लड़े, अब लड़ने की योजना, अब बाकी उन लोगों की क्या मंशा रही हमारे प्रति वो वही जान सकते। बागी प्रत्याशी के तौर पर आप, हम तो भाजपा ही कहेंगे, भाजपा हमको बागी माने चाहे भाजपा ही माने। आगे चलकर पार्टी में बने रहेंगे या पार्टी छोड़ेंगे? पार्टी में बने रहेंगे, हम क्यों पार्टी छोड़ देंगे? नहीं तो अभी आप जो बीजेपी को जितने समर्थित उम्मीदवार है उसके अगेंस्ट जा रहे हैं तो बीजेपी आपसे कार्रवाई नहीं कर सकती? कार्रवाई करेगी तो पार्टी जाने। फिलहाल आप चुनाव मुकाबला में हमारा कड़े मुकाबले में लड़ेंगे? कड़े मुकाबले में नहीं, हम ही जीतेंगे, क्योंकि बीडीसी मेंबरों का अत्यधिक समर्थन मेरे साथ, 65 सदस्यों का समर्थन मेरे साथ है। अगर न्याय से मेरे ईमानदारी से मेरे वोट पड़े, कोई धांधली ना हुई, तो हम ही जीतेंगे। जहां तक चुनाव का मामला है, चुनाव तो जो लड़ता है उसे जीतता हुआ नजर आता है। परिस्थितियां और चुनाव का माहौल भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है, भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति विचारधारा स्पष्ट है, हम लोग स्पष्ट विचारधारा पर काम करने वाले लोग हैं। और जहां तक 10 तारीख को आप लोगों के सामने होगा, भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी ब्लॉक प्रमुख मोहम्मदी के चुनाव में निर्वाचित। कितना बीडीसी है हमारे पास में? पर्याप्त तो जीतने से फालतू वोट है हमारे पास, बहुमत है मेरे पास। ठीक।